आज हम बात करेंगे यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, जो कि एक बहुत ही काम तौर पे लोगों को पीड़ित होते हैं, और उसमें बच्चे, बूढ़े, लेडीज सभी इस प्रॉब्लम से कभी ना कभी ग्रसित जरूर होते हैं। आइए जानते हैं कि यूटीआई के कारण क्या होते हैं। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मुख्य कारण होता है पेशाब में रास्ते में उसमें इन्फेक्शन आना। उसमें ज़्यादातर इन्फेक्शन ई कोलाई के बैक्टीरिया का होता है, या क्लेबसेलर का भी होता है, या कभी न्यूमोकॉकल इन्फेक्शन के भी दूसरे वहाँ पे बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन हो जाता है। और जब आदमी को इन्फेक्शन होता है तो उसके लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं कि यूरिन का बारी बारी आना, बहुत जल्दी जल्दी जाना, और यूरिन करते वक्त जलन होना, पेशाब के शुरू में करते वक्त, पेशाब करते वक्त और पेशाब के बाद जलन होना, ये उसके लक्षण हो सकते हैं। और किसी किसी केस में पेशाब ना आना, या पेशाब रुक रुक कर आना, या बूंद बूंद कर कर आना भी उसका एक लक्षण हो सकता है। इसके साथ ही पेट के यानी कि एब्डोमेन के लोअर एब्डोमेन में पेन होना, थोड़ी सी झुरझुरी आना, ठंड लगना और बुखार आना, ये आमतौर पे यूरिनरी इन्फेक्शन के लक्षणों में पाया जाता है। और कुछ केसेस में ठंड के साथ बुखार लगना या वॉमिटिंग भी होना पाया जाता है। यूरिनरी इन्फेक्शन कई बारी अपने आप में अकेली बीमारी होती है, और कई बारी यह बीमारी किसी और अंडरलाइंग फैक्टर यानी बीमारी की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि किडनी में स्टोन होना, यूरेटर में स्टोन होना, ब्लैडर में स्टोन होना, उनकी भी वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। और कुछ कंडीशन में जहाँ पे कि हाइजीन की बहुत ज़्यादा सफाई नहीं रखी जाती, जहाँ पे स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चों में या कई दफ्तरों में भी ऑफिस में ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पे उनका शौचालय, जहाँ पे वो शौच करने जाते हैं, यूरिन के लिए जाते हैं, वहाँ पे सफाई अच्छी तरह से नहीं होती, गंदगी होती है, और कुछ लोग जिनकी की इम्यूनिटी लो होती है वो लोग वहाँ से भी इन्फेक्शन ग्रहण कर लेते हैं। और ख़ास तौर पे जो पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी लो होती है वो वहाँ से यूरिनरी इन्फेक्शन अक्सर ग्रहण कर लेते हैं। और जब यूरिनरी इन्फेक्शन सीवियर होता है तो पेशाब में जलन, उसके हाथ बदबू और उसमें पस आना, या कभी कभी खून आना भी शामिल हो सकता है पेशाब के साथ। ये उन व्यक्तियों में जिनको शुगर की प्रॉब्लम है या डायबिटीज से पीड़ित हैं, उनमें ये प्रॉब्लम कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। लेडीज में ये अक्सर देखने में आता है कि फ्रीक्वेंट यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, और इवन बच्चों में भी, छोटे बच्चों में जिनको कि डायपर्स में रखा जाता है यूरिन, ताकि पास ना हो, निकले ना बाहर, तो वो वहाँ पे यूरिन का जो गीलापन रहता है उसकी वजह से और वो फ्रिक्शन की वजह से भी यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे समय में हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि अगर यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है तो आदमी को क्या करना चाहिए। अगर आप में इन किसी भी प्रकार के इस तरह के कोई लक्षण जो हमने अभी डिस्कस करे, उनमें से कोई भी आपको लक्षण होते हैं और आपको लगातार परेशानी होती है, तो आप अपने आप सबसे पहले एक अपने यूरिन की यानी मूत्र की जांच कराएं। उसमें अगर आपके पस सेल्स हैं जो कि 8-10 से ज़्यादा हैं, और या फुल फील्ड है या बहुत ज़्यादा हैं, या उसमें ब्लड आ रहा है और फुल फील्ड है, तो ये यकीनन जाने कि आपका यूरिनरी इन्फेक्शन है। तो ऐसे समय में यूरिन रूटीन के साथ एक कल्चर की जाँच भी कराई जानी चाहिए, जिससे कि ये पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया उस इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है। हालांकि होम्योपैथी में इसकी जो जांच है बैक्टीरिया के पता चलने से, कोई एंटीबायोटिक क्योंकि हम होम्योपैथी में यूज़ नहीं करते तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो लोग एलोपैथिक दवाई लेते हैं, जो आमतौर पे जिनको एंटीबायोटिक की सिलेक्शन करनी होती है, उसके लिए कल्चर एंड सेंसिटिविटी का टेस्ट किया जाता है, जिससे कि जिस व्यक्ति को जो जो दवाइयों से वो सेंसिटिव है सिर्फ वही दवाइयाँ दी जानी चाहिए, और जिनसे वो रेजिस्टेंट है तो
तो वो दवाइयाँ देने के बावजूद भी उसमें कोई उसका असर नहीं होता। कई बार देखने में आता है कि कुछ मरीज हमारे पास आते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन से, यूरिनरी इन्फेक्शन की बहुत बारी 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 होता रहता है, वो बारी बारी एंटीबायोटिक लेते हैं, कभी कभी एंटीबायोटिक चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस बदलती रहती हैं। तो ऐसे समय में जिनको रेगुलर रूटीनली यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे समय में होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होती हैं, जिसमें कि उनकी जो यूरिनरी इन्फेक्शन होने की प्रवृत्ति है उसको ही कंप्लीट रूप से ट्रीट किया जाता है और ठीक भी हो जाता है। यहाँ पे मैं एक अपने दर्शकों को ये जरूर कहना चाहूँगा कि जिन भी व्यक्तियों को यूरिनरी इन्फेक्शन होता है तो उनको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। जैसे सबसे पहले तो पेशाब जब भी आपको लग रहा है या आ रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी पास कर लें, रोके नहीं, डोंट होल्ड योर यूरिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स। सेकेंडली, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, हाइड्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी का सेवन अधिक करें, और ताकि यूरिन का फ्लो ठीक हो जाए, अगर इन्फेक्शन है भी तो वो जल्दी जल्दी क्लीन होता रहे। अगर आप ये दोनों चीज़ें डूज एंड डोंट्स को फॉलो करते हैं तो आपकी यूरिनरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने की संभावना जल्दी और अच्छी हो जाती है, ठीक हो सकती है, जल्दी ठीक हो सकती है। जिन व्यक्तियों में गला खराब होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन होता है, उनका इन्फेक्शन भी कई बारी ट्रांसफ़र करके यूरिनरी इन्फेक्शन में चला जाता है। और ख़ास तौर पे देखने में आता है कि जहाँ पे किसी एक व्यक्ति को पुरुष या और स्त्री को अगर यूरिनरी इन्फेक्शन है तो अक्सर उनके काउंटर पार्ट यानी उसके जो स्पाउसेज हैं, लेडी के हस्बैंड में और हस्बैंड की वाइफ में यूरिनरी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होने के चांसेस भी काफ़ी हद तक हो सकते हैं। और अगर ऐसा है तो हिस्ट्री लेते वक्त हमें ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि क्या आपके जो स्पाउस हैं उनको तो इस तरह का इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर उनमें किसी एक को इन्फेक्शन है दूसरे का पता नहीं लगता तो दोनों का इलाज साइमल्टेनियसली होना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ये देखने में आया कि हमने अपने इकिजिलियम सेंटर में देखा कि हम कोई जो मरीज बताते थे कि हम बड़ी देर से इलाज करा रहे हैं, वहाँ पे कराते हैं ठीक हो जाता, कराते हैं ठीक हो जाता, पर जब हमने पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री ली कि आपने अपने अपने स्पाउस का भी कभी टेस्ट कराया या उनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो पता चला कि हाँ उनको प्रॉब्लम होती पर छोटी मोटी होती, बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होती, इसलिए उन्होंने कभी इस बात का गौर नहीं किया। तब तो हमने उनकी भी जाँच कराई, दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ की जाँच कराई, तो पता चला कि वो इन्फेक्शन कभी एक दूसरे को देता, कभी दूसरे पहले वाले को इन्फेक्शन मिल जाता। तो ऐसे टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखना आवश्यक है। और कुछ फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी यूरिनरी इन्फेक्शन उसमें आ जाता है। तो ऐसे समय में यूरिनरी इन्फेक्शन ना हो, ये तो हमने देख लिया कि क्या करना है, और अगर जब हो ही जाता है तब हम उसको किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। हमारे होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, यूरिनरी इन्फेक्शन को। जैसे हम हमेशा हर बारी कहते हैं, अपनी हर चर्चा में बात करते हैं कि होम्योपैथी का इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है और व्यक्ति विशेष के लिए होता है। यहाँ पे कोई फिक्स दवाई किसी भी बीमारी के नाम से नहीं दी जाती, क्योंकि जैसे हम यूरिनरी इन्फेक्शन है इसमें बहुत सारी दवाइयाँ जैसे कि एपिस मेलिफिका है, कैंथेरिस है, लाइकोपोडियम है, आर्सेनिक है, बेलाडोना है, ये सब दवाइयाँ बहुत अच्छी तरह से काम करती है, प्रोवाइडेड उसमें उन दवाइयों वाले लक्षण हों। जैसे कि यूरिन बहुत रुक रुक के आता है, ड्रॉप्स में आ रहा है, और थर्स्टलेसनेस है, और उसमें ठंड भी लगती है, तो एपिस के भी लक्षण हो सकते हैं। कैंथेरिस में जैसे पेशाब की जो जलन है करते वक्त, करने से पहले, करने के बाद, हर समय प्रोसेस करती है, तो अभी कैंथेरिस का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी और दवाइयाँ हैं जिनके लक्षणों के आधार पर ही उनको दवाइयों का चयन किया जाता है। जब अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है तो पहले कुछ सावधानियाँ ज़रूर बरतें, कि जैसे बताया कि पानी का सेवन करें, पेशाब को रोकें नहीं, और हो सके तो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्पाउस को के साथ इंटीमेट संबंध ना बनाए, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है इन्फेक्शन कैरी फॉरवर्ड करने की, तो उस समय में जब आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है तो थोड़ा सा इंटीमेसी का
अवॉइड करनी चाहिए, और सेक्सुअल कांटेक्ट ना हो इसका कुछ देर के लिए परहेज कर लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। और अगर जब हो ही जाता है तो अगर जैसे किसी को पता चलता है कि यूरिन में इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ स्टोन हो रहा है, तो स्टोन का इलाज कराना बहुत आवश्यक हो जाता है। और ऐसे में होम्योपैथिक दवाइयाँ उसके लिए स्टोन के लिए भी बहुत अच्छी हैं, जिनके आपके मेन चाहे किडनीज में स्टोन हो, चाहे यूरेटर में हो, या ब्लैडर में हो, या नेक ऑफ उसमें कहीं पर हो, तो वो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ द्वारा स्टोन्स निकल भी जाते हैं और बिना ऑपरेशन के ठीक भी हो जाते हैं। हाँ, परंतु ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनका पहले पूरी जांच होनी चाहिए, यूरिन का जांच होनी चाहिए, उनका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, कल्चर की रिपोर्ट होनी चाहिए, और अगर हमें आवश्यक लगता है कि वो देखा जाए कि यूरिन की जो GFR है वैल्यू वो भी देखी जाए, प्लस उसके साथ कि जो स्टोन है वो कहाँ पे है, कितना बड़ा है और किस पोजीशन में है। क्योंकि कई बार की जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है जिसकी स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो उसमें किडनी में डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखा जाना चाहिए कि यूरिनरी इन्फेक्शन को हम आमतौर पे होने वाली बीमारी है, परंतु इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। यूरिनरी इन्फेक्शन होता है तो आपको उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए, कुछ परहेज हैं वो करने चाहिए, और अपने निकटतम होम्योपैथिक डॉक्टर को इमिजिएटली संपर्क करें और अपने उससे ठीक हों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपकी अगर कोई भी समस्या है होम्योपैथी से संबंधित, या आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ovihams.com यानी www.ovihams.com, या हमारे इस यहाँ पे जो वीडियो के नीचे आप अपना क्वेश्चन या अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार। होम्योपैथी इंश्योर्स हेल्थ सेफली। टेक केयर एंड बी सेफ एंड हैप्पी। थैंक यू।